ये है पुरानी दिल्ली चांदनी चौक की सबसे प्रसिद्ध मेघराज हलवाई की दुकान और इनकी इस दुकान पर मिलती है एक ऐसी मिठाई जिसे लोग हबशी हलवे के नाम से जानते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि पूरी दिल्ली में ये मिठाई केवल यही बनाते हैं। वहीं इनकी इस मिठाई को लेने के लिए आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ इनकी इस दुकान पर कैसे लगी हुई है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस हबशी हलवे के बारे में पूछते हैं इस दुकान के मालिक से और यहाँ पर ये मिठाई लेने आए हुए लोगों से भी करते हैं बात। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वंश अरोड़ा है। वंश जी, और कितने साल पुरानी है मेघराज जी की ये दुकान? ये अब 123 इयर्स हो गए हैं। 1900 में हमारी शॉप स्टार्ट हुई थी सर, और 123 इयर्स अब कंप्लीट हो गए हैं हमारे। एक बहुत चीज फेमस है जो दिल्ली में और कहीं नहीं मिलती, वो मिठाई है और इसका नाम है हबशी हलवा। हाँ जी सर। किस तरीके से बनाया जाता है, क्या इसके पीछे राज है, और नाम पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, नाम क्यों इसका ऐसा है? बेसिकली ये आइटम जो हबशी हलवा है ये पर्शिया में और अरबिक कंट्रीज के अंदर ये बहुत खाया जाता था। मतलब कभी भी यहाँ पे जो भी हमेशा एक लार्ज गैदरिंग्स डिनर्स के बाद स्वीडिश के अंदर हबशी हलवा ही सर्व करते थे, सबसे ज्यादा ही चलता था। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली मसाले बहुत डलते हैं, जैसे जायफल, जावित्री, इलायची, सोट सब इसके अंदर पड़ा होता है, तो इससे काफ़ी पावर मिलती है बॉडी को। तो इसलिए इसको हबशी हलवा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हबशी जैसे हम यूज़ वर्ड यूज़ करते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ट आदमी हो उसको हम ऐसा बोलते हैं, तो उसी रीज़न से इसका नाम ये हबशी हलवा पड़ा है। क्या प्राइस रहता है इसका? सर ये यहाँ पे 680 पर केजी के हिसाब से हम सेल करते हैं। इसका सर जो प्रिपरेशन टाइम है ये करीब 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है। काफ़ी देर तक इसको कढ़ाई में दूध को भूनना पड़ता है, देसी घी के अंदर पूरा ये बनता है। इसमें घी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो पुराने लोग तो ये बहुत खाते थे और आज भी ये चीज़ अब दोबारा से खाई जाती है क्योंकि इसमें काफ़ी पावरफुल आइटम है। अगर आप रेगुलरली खाओ और डाइट अपनी अच्छी मेंटेन करो तो ये बहुत हेल्प करता है आपकी ओवरऑल आपका स्टेमिना बिल्ड करने का। और ये तो सर हबशी हलवा है जो आप हमने बताया है। जब ये बन जाता है तो इसको ऐसे सेपरेटली पैकेट में हर पीस को पैक किया जाता है, ऊपर से इस पे काजू, बादाम, पिस्ता ये सब ड्राई फ्रूट्स लगा दिए जाते हैं। उसके अलावा ये कराची हलवा है सर, ये ड्राई फ्रूट हलवा है, इसका रेट है 1080 पर किलो। ये केसर बादाम काजू वाला है 940 पर केजी, बादाम पिस्ता काजू वाला 880 पर केजी, ये सिर्फ काजू वाला है 820 पर केजी। और ये प्लेन कराची हलवा है जो बेसिक शुरू से चलता है 560 पर केजी। ये सोन हलवा है जी, दिस इज 840 पर किलो, और हबशी हलवा 680 पर किलो, ये तो आपको बताया था हमने। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा द्वारका नाथ शर्मा। द्वारका नाथ जी, कितने साल हो गए आओगे आपको मेघराज हलवाई जी की? मेघराज हलवाई से मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज मेरी 70 साल की उम्र है, तो ये समझ लो 50 साल तो मेरे को हो गए, क्योंकि 20 साल पहले मैं गिरधारी लाल स्कूल में पढ़ता था और तब से मैं यहाँ से सौदा ले रहा हूँ। और यहाँ से आज तक आज पहली बार नहीं, हमेशा ही चलेगा मेरा यहाँ से, और कहीं से चलेगा भी नहीं। अंकल आप और भी बहुत मिठाई की दुकानें हैं, बहुत बहुत प्रसिद्ध दुकानें, क्या फर्क है उनमें और इनमें? हैं क्या फर्क है उनमें और इनमें? अरे समझे नहीं, स्वाद का ही तो फर्क है, पैसा बात और स्वाद का होता है। आप तुम खा लो मिठाई कहीं भी खा लो, खाने का क्या है मिठास? देखो एक दुकानदारी के अंदर मिठास और एक माल के अंदर मिठास, दोनों चीजें होनी चाहिए, और जब तक वो नहीं है तो बेकार है, कोई फायदा नहीं है। तो क्या रेट करते हैं आप इनको, क्या रेट करते हैं आप इनको? पांच में से छह दूंगा मैं। क्या नाम है मैम आपका? पूनम है। पूनम जी कब से आ रहे हैं आप मेघराज जी की दुकान? आती रहती हूं। कैसा लगता है आपको यहाँ की मिठाई? अच्छा, बहुत अच्छा। दिल्ली में और भी बहुत सारी दुकानें हैं मिठाई की, क्या अलग है यहाँ पे जो आप यहीं पर? यहाँ प्योर है, शुद्ध घी का बना हुआ है, अभी तक ऐसा कुछ मिलावटी वाला काम नहीं। कहाँ पर है आपकी ये शॉप, अगर किसी ने खाना आना हो तो लोकेशन थोड़ी बता दीजिए। सर ये चांदनी चौक के अंदर फतेहपुरी मस्जिद है, फतेहपुरी मॉस्क, बहुत पुरानी मॉस्क है ये, उसके एकदम ऑपोजिट हमारी शॉप है। और कितने हफ्ते के कितने दिन खुली रहती है? 7 डेज ओपन है सर। क्या टाइमिंग रहती है? सुबह 8 AM से सर रात को 9 बजे तक, संडे को 6-7 बजे तक। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट, न्यूज 18 के लिए।